साड़ी तो बहुत अच्छा लगा, मतलब जैसे सोचा था उससे भी कहीं अच्छा ही हुआ, कई गुना अच्छा हुआ है, कलर भी अच्छा लग रहा है। Hello and welcome to 7S Automotives, your premium car detailing and body shop studio. मेरा नाम है सौरभ और ये वीडियो हम बनाए हैं एक 2017 मॉडल फोर्ड फीगो के ऊपर। हमारे पास वो गाड़ी आई थी, बेसिकली कस्टमर आए थे कलर चेंज करवाने के लिए। वो काफी बोर हो गए थे कलर से, कलर थोड़ा डैमेज भी था पुराना होने की वजह से, प्लस उन्होंने कुछ रैपिंग का भी काम करवा रखा था उसमें, आपको शॉर्ट्स में दिखाई देगा। तो उस वजह से गाड़ी का कलर भी खराब हो चुका था एंड कस्टमर वांटेड समथिंग न्यू फॉर इट, बट ही डिडंट वांट टू चेंज द कलर। वो ब्लू के शेड में ही रहना चाहते थे, बट एट द सेम टाइम ही ऑल्सो वॉन्टेड कि कलर थोड़ा यूनिक हो, रस्ते पे बाकी गाड़ी उस कलर का ना हो और थोड़ा स्पोर्टी नेचर का उनको लुक चाहिए था। तो हमने उन्हें सजेस्ट किया BMW में आने वाली एक स्नैपर रॉक्स ब्लू कलर है, जो कि BMW के M5 कॉम्पिटिशन वर्जन में आता है, आपको उसका शॉर्ट्स दिखेगा अभी। हमने कस्टमर को कलर सैंपल बना के दिखाया, स्नैपर रॉक्स ब्लू जो कलर है उसका। कलर देखते ही उन्हें बहुत पसंद आया, वो इमीडिएट गो अहेड करने बोल दिए और हम लोग साथ ही में उस कलर के साथ कॉन्ट्रास्ट करने के लिए गाड़ी पे जितने भी क्रोम पार्ट्स थे, जैसे कि ग्रिल, हैंडल्स, फिर उसके एलॉयज, रूफ, जो भी थे सारे को हमने ब्लैक में कॉन्ट्रास्टिंग कलर में पेंट किया, जिससे कि जो गाड़ी का स्पोर्टी नेचर है वो और ज़्यादा निकल के आए। तो हम देखते हैं इस वीडियो में कैसे पूरा काम हुआ। हम ट्राई किए कि जितना प्रोसेस हम लोग दिखा सके सब आपको दिखाएंगे इस वीडियो में, तो आप वीडियो देखते रहिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड आपको देख के काफ़ी मज़ा आएगा वीडियो। तो सबसे पहला काम फुल कार पेंटिंग के पहले रहता है डेंटिंग का। गाड़ी पे जितने भी छोटे बड़े डेंट्स है उसे निकाला जाता है, डेंट पुलर्स और भी बाकी टूल्स टेक्निक यूज होता है, जितने भी डेंट्स है उसको हम लोग निकालेंगे, उसके बाद उसके ऊपर फर्दर प्रोसेस होगा। सेकेंड स्टेप आता है पुट्टी वर्क का। डेंटिंग के बाद पुट्टी वर्क किया जाता है, जिसपे पैनल्स को एक इवन लुक एंड शेप मिल सके, जिससे कि फाइनल पेंट होने के बाद गाड़ी में कहीं भी कोई अनइवननेस पेंट पे ना दिखाई दे, कोई छोटे मोटे डेंट्स नहीं दिखाई दे। तो ये स्टेप काफ़ी क्रूशल रहता है, ये वर्कमैनशिप इसमें बहुत अच्छा चाहिए होता है, जिससे कि फाइनल लुक काफ़ी अच्छा आए। थर्ड स्टेप रहता है प्राइमर एप्लीकेशन का। प्राइमर अप्लाई करने से पेंट का जो मेटल है उसके साथ पेंट का बॉन्डिंग काफ़ी अच्छा होता है, जो एक जनरली वर्कशॉप्स में पेंट पीलिंग का प्रॉब्लम आता है आफ्टर मार्केट वर्कशॉप्स में, वो चीज़ ना होने के लिए प्राइमर यूसेज बहुत कंपलसरी है। कुछ लोग अवॉइड करते हैं, बट हम लोग इसको फुल प्राइमर करके उसके बाद पेंट करते हैं, जिससे कि कलर बॉन्डिंग अच्छे से हो मेटल के साथ। फाइनल स्टेप में गाड़ी के ऊपर मल्टीपल लेयर्स ऑफ पेंट अप्लाई किया जाता है। ये कार पे हमने जो पेंट यूज किया है वो ग्लासुरिट का है, जो कि एक जर्मन प्रीमियम पेंट ब्रांड है। ये हाई एंड जर्मन कार्स जैसे कि ऑडी, BMW, मर्सिडीज, इन सब कंपनीज के जो फैक्ट्रीज है उसमें यही पेंट यूज होता है। इस पेंट का ग्लॉस लेवल्स एंड ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा है कंपेयर टू एनी अदर ब्रांड। पेंटिंग का पूरा प्रोसेस हम लोग के यहाँ इनहाउस किया जाता है, हमारा खुद का पेंट मिक्सिंग स्टेशन है ग्लासुरिट के तरफ से दिया हुआ, तो हम अपने यहाँ पेंट जो भी फॉर्मुलेट करते हैं वो खुद से करते हैं, जिससे कि कलर मैचिंग एंड फिनिश पे हमारा फुल कंट्रोल रहता है। पेंटिंग का काम हम अपने एडवांस पेंट बूथ में ही करते हैं, जिससे कि पेंटिंग के वक्त पेंट पर कोई भी कंटामिनेशन जैसे कि डस्ट, मॉइस्चर, इंसेक्ट्स वगैरह सेटल होने का चांस ही ना हो, और हम एक शोरूम फिनिश जो बोलते हैं OEM फिनिश वो प्रोवाइड कर सके कस्टमर।
पेंट होने के बाद इस पे फाइनल पॉलिशिंग एंड फिनिशिंग का काम हो रहा है। अब फाइनल इंस्पेक्शंस करने के बाद ये गाड़ी कम्प्लीटली रेडी हो जाएगा कस्टमर को डिलीवर करने को। कैसे हो आप? ठीक हूँ मैं। तो आपको गाड़ी कैसा लगा? गाड़ी तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा। मतलब जैसे सोचा था उससे भी कई अच्छा ही हुआ है, कई गुना अच्छा, अच्छा हुआ है। अच्छा। कलर भी अच्छा लग रहा है। कलर भी अच्छा है। हाँ। नहीं, कलर थोड़ा सा अनकॉमन है प्रैक्टिकली। हाँ, इस गाड़ी के लिए कलर अनकॉमन ही हो गया। मतलब काफी कम ही दिखा, काफी कम क्या मतलब शायद है ही नहीं, ऐसा ही लगेगा। अच्छा, ठीक है सर। या सब कुछ ठीक है, बहुत अच्छा है। नाइस, अच्छा लग रहा है कलर। तो आपने पूरा प्रोसेस देखा पेंटिंग का, आपने गाड़ी का फाइनल लुक्स भी देखा। आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा हमारा काम और फाइनल लुक कैसा लगा। और भी हम वीडियोस बनाएंगे अभी, आप हमें कमेंट्स करके सजेस्ट करें कि हम किस तरह का वीडियोस आप तक और पहुंचाएं। आपको हमारा ये वीडियो कंटेंट अगर पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। आपके जितने भी कार एंथुजियास्ट फ्रेंड्स एंड फैमिलीज हैं, आप उनको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा भेजें। आई एम श्योर उनको काफ़ी इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिलेगा, काफ़ी पसंद आएगा। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर ले। हम लोग इस तरह के वीडियोस अब बनाते रहेंगे जो कि आपको देख के काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो इस वीडियो को हम इधर ही एंड करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको बहुत पसंद आया। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वीडियो अब नेक्स्ट हमारे इस चैनल पर आने वाला है, तो आप देखते रहे इस चैनल को। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। गुड बाय।